गाइज ये है इन्फिनिक्स 030 जो कि मेड इन इंडिया फोन है और गाइज ये आता है फ्लैगशिप लेवल फीचर्स के साथ और डिजाइन के साथ। तो गाइज इसका डिजाइन और फीचर्स आप लोगों को एकदम फ्लैगशिप लेवल के मिल जाते हैं, मतलब ये आप लोगों को फ्लैगशिप लेवल फोन का एक्सपीरियंस दे सकता है। लेकिन ये फ्लैगशिप लेवल फोन नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को फ्लैगशिप लेवल फोन का एक्सपीरियंस जरूर दे देगा क्योंकि आप लोगों को इसमें मिल जाते हैं भर भर के फीचर्स जो कि बना देते हैं इसे एक फ्लैगशिप लेवल के टक्कर का। तो चलिए इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं इसके बॉक्स के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलता है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फिनिक्स 030, तो ये 5G फोन है और गाइज ये 12/256 GB वाला वेरिएंट है। तो आप देख सकते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 4K 60 FPS फ्रंट कैमरा में है, मतलब इसके फ्रंट कैमरा में आप लोग 4K 60 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और बाकी इसके पीछे इसके और फीचर्स लिखे हुए। तो चलिए इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। गाइस इसके बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें मिल जाता है इसमें हमारा फोन, इसका एक सिलिकॉन का कवर, ये है इसका चार्जर और केबल, और उसी के साथ साथ हमें मिल जाती हैं इसकी कुछ पुस्तकें। तो एक वारंटी कार्ड है और ये कुछ पुस्तकें हैं जो कि हम कभी नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए इसको हम वापस रख देते हैं। तो गाइस आ जाते हैं हम अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ। तो यहाँ पर हम अपना फोन को ओपन कर लेते हैं, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे से भी इसे, पहले हम इसको खोल लेते हैं। सो गाइस इसको खोलने के बाद आप लोग इसका लुक पीछे से देख सकते हैं कितना बढ़िया रखा है। तो ये मैट फिनिश वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका मैट फिनिश तो काफ़ी बढ़िया मिलता है। और यहाँ पीछे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और एकदम फ्लैगशिप वाले आपको फीलिंग आएगी इसको छूके क्योंकि एकदम आप लोगों को ये मैट फिनिश में मिलता है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आप लोगों को ये मिलता है। ये है हमारा मेन प्रोडक्ट। तो गाइज आप लोग इसका बैक से लुक देख सकते हैं, काफी बढ़िया लुक आ रहा है इसका, काफी बढ़िया लग रहा है फोन। तो काफी प्रीमियम लुक मिल जाता है आप लोगों को इसका मैट फिनिश की वजह से। तो आप लोगों को इसके ग्लास वाले वेरियंट में मिलते हैं लेकिन ये मैट फिनिश वाला वेरियंट है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। और गाइज इस फोन में मिल जाती है आप लोगों को कर्व डिस्प्ले, तो मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इस फोन में मिल जाती है आप लोगों को कर्व डिस्प्ले। गाइस इसके फ्रंट कैमरा में आप लोगों को मिल जाता है 50 MP का कैमरा और गाइस इसके बैक कैमरा में आप लोगों को मिल जाता है 108 MP का OIS ट्रिपल कैमरा। और गाइस इस फोन में मिल जाता है आप लोगों को मीडियाटेक का 8020 प्रोसेसर जो कि आप लोगों को एक 5G प्रोसेसर है और ये भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है गेम में, मतलब गेमिंग प्रोसेसर नहीं है ये लेकिन फिर भी आप लोगों को काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी इस फोन की और काफी अच्छा स्मूथ चलेगा ये फोन। और गाइस इस फोन के अंदर आप लोगों को मिल जाता है 144Hz का रिफ्रेश रेट जो कि काफी बढ़िया है। तो चलिए इस फोन को ऑन कर लेते हैं। तो गाइस फोन को करने के बाद आप लोग देख सकते हैं और इसके साइड में जो आप लोगों को कर्व डिस्प्ले मिलती है ये काफी बढ़िया इसको लुक दे देती है और काफी बढ़िया लगता है। तो हम इसका कवर लगा लेते हैं इस पे। तो गाइस ये साइड से कवर खाली है क्योंकि यहाँ पे आपकी स्क्रीन है, तो यहाँ साइड से भी आप टच चला सकते हैं अपनी स्क्रीन का। तो चलते हैं हम इसकी सेटिंग की तरफ। ये फोन आप लोगों को एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड मिलता है और उसी के साथ साथ आप लोगों को इसमें एंड्रॉइड का अपडेट 1 साल का मिलता है और सिक्योरिटी पैच का अपडेट आप लोगों को इसमें 2 साल तक मिल जाता है। तो गाइस इसका एंड्रॉइड वर्जन 14 तक आप लोगों को इसमें अपग्रेडेबल मिलता है और 2 साल तक आप लोगों को इसका सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है। और गाइस बाकी आप लोगों को इसके अंदर 5000mAh की पावरफुल बैटरी मिल जाती है जो कि आराम से आप लोगों का हैवी यूज पे भी 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देगी। और गाइस यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीन रेशियो देख सकते हैं, इसमें आपको 1080x2400 तक स्क्रीन का साइज मिल जाता है। तो गाइस इस फोन के अंदर आप लोगों को एक्सपेंडेबल रैम मिल जाती है जिसको आप लोग यहां पर क्लिक करके इससे यहां पर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप लोग इसको 9GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं और इसे आप कम ज़्यादा भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर 3GB बढ़ा सकते हैं, 6GB बढ़ा सकते हैं और 9GB बढ़ा सकते हैं। तो टोटल आप इसमें 21GB तक अपनी रैम सेट कर सकते हैं। तो इसको मैं बैक कर देता हूँ, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है इसमें। तो गाइस इस फोन में आप लोगों को 94% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है और उसी के साथ साथ आप लोगों को इसमें मिल जाती है 950 nits की ब्राइटनेस जो कि काफी ज्यादा ब्राइट है। आप लोगों को धूप वगैरह में आराम से ये फोन दिखाई दे जाएगा, इसकी स्क्रीन आप आराम से देख पाएंगे धूप में भी। और गाइस उसी के साथ साथ आप लोगों को इस फोन में मिलती है फुल HD+ डिस्प्ले जो कि AMOLED डिस्प्ले ही होती है, तो ये AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है आप लोगों को इस फोन में। और गाइस AMOLED डिस्प्ले की वजह से आप लोगों को इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाती है। तो गाइस इसके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप लोगों को काफी सारे डिजाइन मिल जाते हैं और सारे आप लोगों को 3D लुक में मिलते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आप लोगों को इसमें डिजाइन मिल जाते हैं। सब आप लोगों को इसमें 3D लुक में डिजाइन मिल जाते हैं अलग अलग तरीके से, तो इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, जैसे कि अभी ये वाला यूज हो रहा है तो मैं ये वाला आप लोगों को दिखा देता हूँ ऑफ करके। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं एकदम 3D लुक में आता है और इसको मैं खोल लेता हूँ। तो गाइस तो चलिए अब इसकी साउंड टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं NCS का सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ जिससे मेरी वीडियो पे कॉपीराइट ना आए, तो ये मैं अभी आपको प्ले करके सुनाता हूँ। तो गाइस काफी ज्यादा लाउड साउंड मिल जाता है आप लोगों को इसमें क्योंकि आप लोगों को इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं जिससे इसका साउंड बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है और बहुत क्लियर भी हो जाता है। तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ इसके स्पीकर्स वर्क करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर अलग से स्पीकर दिख रहे होंगे आपको, तो ये दोनों स्पीकर्स हैं। और गाइस यहाँ पर आप लोगों को इसमें 2 माइक्रोफोन मिल जाते हैं, एक ये है और एक यहाँ नीचे की साइड है इसमें माइक्रोफोन। और यहाँ पर आप लोगों को सिम डालने का मिल जाता है, ये है इसका चार्जिंग पोर्ट। और गाइस यहाँ पर हमारे नॉर्मल वॉल्यूम बटन और पावर ऑन ऑफ बटन है। सो गाइस ये है इस फोन का 68W का सुपर चार्जर जो कि इस फोन को सिर्फ 40 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज कर देता है। सो गाइस तो फिर चलिए अब इस फोन का BGMI टेस्ट करते हैं।
तो चलिए अब हम इसमें BGMI ओपन कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारा BGMI ऑन हो चुका है, तो अब हम लोग इसकी सेटिंग में जाकर आप लोगों को दिखाते हैं कि कितने ग्राफिक्स तक इसमें BGMI चल रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो हम इसे स्मूथ पर करते हैं, तो यहाँ पर इसमें स्मूथ में आप लोगों को एक्सट्रीम तक का ऑप्शन मिल जाता है, और बैलेंस पे आपको इसमें अल्ट्रा का मिलता है, और HDR पे भी आपको इसमें अल्ट्रा का मिलता है। और गाइस इसमें अल्ट्रा HDR सपोर्टेड नहीं है, तो आप लोग इसमें HDR पर अल्ट्रा तक खेल सकते हैं। तो अभी हम इस पर फुल ग्राफिक्स पे गेम चलाकर देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं अभी तक तो इसमें बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है गेम, और काफ़ी बढ़िया चल रहा है गेम इसमें। तो गाइस यहाँ पर हमारा गेम इसमें बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है, बिल्कुल आराम से इसमें हमारा गेम चल रहा है, बिना किसी दिक्कत के यहाँ पर हमारा गेम चल रहा है इसमें। और गाइस वो थोड़ा फ्रेम रेट का अंतर है, इस चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है खेलने में, लेकिन बिल्कुल बढ़िया गेम चल रहा है। आप इसमें गेमिंग आराम से कर सकते हैं, इसमें आप लोग ज़्यादा हैवी गेम्स नहीं चला सकते हैं, लेकिन हाँ आप लोग इसमें HDR पे अल्ट्रा चला पा रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन HDR पे अल्ट्रा से अच्छा है कि आप लोग इसे स्मूथ पे यूज़ करें तो और भी बढ़िया चलेगा गेम। जैसे कि यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ स्मूथ पे एक्सट्रीम, तो स्मूथ पे एक्सट्रीम पे इसमें कुछ भी लैग नहीं होगा ज़्यादा, तो जैसा हल्का हल्का फ्रेम ड्रॉप वाला अंतर आ रहा था वो अब नहीं आएगा, अब बिल्कुल स्मूथ चल रहा है इसमें गेम, और इसमें हल्का सा भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा है, और आराम से एकदम गेम चल रहा है इसमें हमारा। तो गेम्स भी काफ़ी सही चल रहे हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं आ रही है गेम खेलने में हमें इसमें। तो गाइस तो चलिए अब बात करते हैं इसके कैमरे की। तो गाइस इसके कैमरे को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक AI कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है, वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, और ये फिल्म का हमें इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं चीज़, जैसे कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस इसको सेलेक्ट करने का जब आप वीडियो बनाएंगे तो वीडियो में सॉन्ग और इफेक्ट्स अपने आप ही लगने लगेंगे। मैं जैसे कि आपको बनाकर दिखाता हूँ, तो गाइस देख सकते हैं आप अपने आप ही इसने सॉन्ग लगा के कुछ सेकंड्स की वीडियो बनाई, और इसे आपको 2-3 बार रिकॉर्ड करना है अलग अलग सीन में, इस तरीके से आप लोगों को इसे रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये इस तरीके से इसको रिकॉर्ड करना है आपको। तो गाइस यहाँ पर हमारी वीडियो हो चुकी है रेडी, तो अब हम इसे जाकर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सब सीन्स को मर्ज कर देगा। तो गाइस ने सब सीन्स को मर्ज करके कुछ इस टाइप से एक वीडियो बना दी है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो इस टाइप से आप लोगों को इसमें काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं अलग अलग टाइप की वीडियो बनाने के लिए, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और गाइस इसके वीडियो में मैं आप लोगों को जाकर दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं 4K 60 FPS पर सेट है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसका फ्रंट कैमरा चलाकर दिखाता हूँ। तो इसके फ्रंट कैमरा में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसमें 4K रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस इसके फ्रंट कैमरा में 4K रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब एकदम क्लियर रिकॉर्ड कर रही है इससे भी, और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी आ रही है। तो चलिए इसको हम हटाते हैं, तो हम आ जाते हैं इसके वापस AI कैमरा पर। तो यहाँ पर आप लोगों को 108 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिल जाता है फोटो खींचने के लिए, देख सकते हैं आप 108 मेगापिक्सल। तो गाइस इस फोन में मिल जाती है आप लोगों को रिंग फ्लैशलाइट, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और गाइस इसके आप लोगों को फ्रंट कैमरा में भी एक फ्लैशलाइट मिलती है, जो कि इधर साइड है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही होगी, जब ये जलेगी तभी आपको दिखाई देगी। तो मैं भी आपको जलाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका फ्लैशलाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे फ्लैशलाइट जलाने के। एक आप लोगों को मिलेगा बैक फ्लैशलाइट, एक आप लोगों को मिलेगा फ्रंट फ्लैशलाइट, और एक मिलेगा आपको 360 फ्लैशलाइट। तो गाइस तीनों मोड में आप अलग अलग तरीके से लाइट जला सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को फ्रंट वाली लाइट जलाकर दिखाता हूँ। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसमें फ्लैशलाइट है, तो इसको भी मैं आप लोगों को बंद कर देता हूँ। और गाइस आप लोग इसकी फ्रंट फ्लैशलाइट भी जला सकते हैं, तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये रिंग लाइट है, और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, आप लोग नीचे रोशनी देख सकते हैं इसके पूरे में, काफ़ी ब्राइट आप लोगों को इसकी फ्लैशलाइट मिल जाती है, और रिंग लाइट है ये, तो इसमें आप लोगों को कई सारी LED बल्ब मिल जाते हैं अंदर। चलिए मैं हटाता हूँ, अब मैं आपको इसकी 360 जला के दिखाता हूँ। तो इसमें दोनों साइड की इसकी फ्लैशलाइट जल जाती है, आगे भी और पीछे भी, तो चारों तरफ ये रोशनी कर देता है। तो गाइस यहाँ पर मैं इसके वापस कैमरा पर आ चुका हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ फिल्टर्स मिल जाते हैं इसके, कई सारे आप लोगों को इसमें फिल्टर मिल जाते हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फोटो खींचने के लिए, तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो अब हम आ जाते हैं इसके पोर्ट्रेट पे, तो इसमें क्या पोर्ट्रेट में आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप इसका फोकस एडजस्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को कितना ब्लर करना है सामने वाली चीज़ को। जैसे कि मेरा हाथ है, तो मैं आपको इसको ब्लर बढ़ा के दिखाता हूँ। तो ये इसका लोएस्ट ब्लर है, और अभी मैं इसको फुल कर देता हूँ। तो गाइस ये फुल ब्लर पे सेट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं ब्लर कर रहा है, और ये मैं इसको भी कम कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं साइड से ब्लर हट जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप इसमें ब्लर सेट कर सकते हैं, तो इसे मैं हटाता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ मैजिक इफेक्ट्स वाला ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने यहाँ पर बॉडी शेप और हेड वगैरह शेप भी सब चेंज कर सकते हैं इसमें, तो ये भी ऑप्शन आप लोगों को इसमें मिल जाता है। और गाइस यहाँ पर नीचे आप लोगों को एक इफेक्ट वाला दिखाई दे रहा होगा, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को वही सेम ऑप्शन मिल जाएंगे सारे, साइज एकदम आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइस ये सब था इसमें, और यहाँ पर आप लोगों को इसमें सुपर नाइट मोड मिल जाता है, जिससे आप लोग नाइट फोटोग्राफी कर सकते हैं। फिर अब हम इसके मोर में चले जाते हैं, फिर मोर में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक स्लोमो का ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइस इसके स्लोमो में आप लोगों को 120 FPS और 240 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप इसका स्लोमो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। चलिए फिर से हम मोड पर चलते हैं, तो यहाँ पर अब आप लोगों को मिल रहा है टाइम लैप्स का ऑप्शन, तो आप लोगों को इसका टाइम लैप्स नॉर्मल नहीं मिलता है, इसके टाइम लैप्स में आपको बहुत बढ़िया सेटिंग मिल जाती है।
तो जैसे कि आप लोगों का जो टाइम है ये ऑटो पे है तो इसको आप हटा सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं आप इसे 5400x तक फास्ट कर सकते हैं इसमें वीडियो, मतलब नाइट वीडियो आप एक बार बना सकते हैं। इसका मतलब ये 5400 सेकंड्स को एक सेकंड काउंट करेगा, तो इससे आप लोग बहुत लंबी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। पूरी नाइट आप लोग सिर्फ एक मिनट के अंदर कवर कर सकते हैं, नहीं आप लोग पूरी नाइट 15 सेकंड्स के अंदर ही कवर कर लेंगे, इसमें एक मिनट की भी जरूरत नहीं है। तो ये मैं हटाता हूँ, तो ये भी आप लोगों को बहुत बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आप लोगों को कितनी स्पीड चाहिए। और गाइज यहाँ पर आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, ये यहाँ पर आपको डुअल वीडियो का मिलता है जिसमें फ्रंट और बैक दोनों कैमरे काम करते हैं, ये डुअल वीडियो का ऑप्शन है। और गाइज इसके बाद आप लोगों को मिल जाता है इसमें AR स्पेस का ऑप्शन, तो ये AR स्पेस खोल लेता हूँ। तो इसमें आप लोग अपना इमोजी बना सकते हैं और हवा में लाइन वगैरह खींच सकते हैं, तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ। और गाइज यहाँ पर आप लोगों को इसमें एक स्काई शॉप का ऑप्शन मिल जाता है जो कि मैं अभी आप लोगों को बाहर यूज़ करके दिखाऊंगा, इससे आप लोग अपने स्काई बदल सकते हैं। और गाइज ये प्रो ऑप्शन है, ये सब में होता है, और ये पैरानोमा है, और ये डॉक्यूमेंट स्कैन करने का है, तो ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को इसमें मिल जाते हैं। तो गाइज चलिए अब इससे आप लोगों को हम फोटोग्राफी करके दिखाते हैं। और गाइज इस फोन में आप लोगों को टोटल 10x तक जूम मिलता है, जिसमें आप इसमें 10x तक जूम कर सकते हैं अपनी फोटोज को, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जूम करके कुछ फोटोज क्लिक करता हूँ। तो गाइज तो चलिए अब इसका स्काई शॉप आप लोगों को मैं यूज करके दिखाता हूँ। तो ये हम आ गए स्काई शॉप पर, तो अब आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे ये स्काई नहीं है, देख सकते हैं नॉर्मल स्काई कुछ इस टाइप का है हमारा। और अब मैं आप लोगों को इस फ़ोन में दिखाता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कुछ स्काई का कलर ये कुछ इस तरीके से बदल दे रहा है पूरा स्काई। तो इससे भी मैं आप लोगों को एक फ़ोटो खींच कर दिखाता हूँ यहाँ पर। तो गाइस जो अभी आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पे फोटोज और वीडियोस देखी वो सब इसी फोन से क्लिक करी हुई थी, तो आप लोगों ने इसकी क्वालिटी तो चेक कर ही ली होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को ये फोन परचेस करना हो तो इसका बाय लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं। और काफी बढ़िया बढ़िया आप लोगों को इसमें फीचर्स मिल जाते हैं और काफी फ्लैगशिप लेवल के आप लोगों को इसमें फीचर्स मिल जाते हैं। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।